दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पर स्वागत करता हूं और एम्स में नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी अपडेट के साथ आप सभी के बीच टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले, कब से कब तक आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, पेपर जो वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, तो डिटेल इस वीडियो में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि वैकेंसी जो हैं वो कितनी होंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो, और बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं। रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, यानी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी जीएनएम अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन उस केस में आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ये तो हो गए यहाँ पे हमारे क्वालिफिकेशन। उसके बाद एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 30 का है, 18 से 30 के बीच में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद है अप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है 2,400 रुपये यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है। ये भी फ़ीस का क्राइटेरिया हो गया है। उसके बाद फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 12 अप्रैल से 5 मई तक, यानी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आप सबको फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है जहाँ पे आके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नोरसेट 4, तो इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और बताया था 3 जून को इसका पेपर होना है। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा पेज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, जिसको ओपन करते सामने आएगा और आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और नए कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। 12 अप्रैल से 5 मई तक आप सब अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज कितनी हैं, ये रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज। आप सबको इस बारे में पता ही है कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन रहता है एज के रिगार्डिंग। तो उसके बाद देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न जो है 200 क्वेश्चन आप सबसे पूछे जाएंगे। पेपर 1 3 घंटे का होगा, 180 मिनट का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। उसमें 180 क्वेश्चन जो हैं वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे, जबकि 20 क्वेश्चन जो हैं वो जीके और एप्टीट्यूड से आप सबसे पूछे जाएंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, ओबीसी के लिए 45% है, और एससी एसटी के लिए 40% जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं। जो नर्सिंग का सिलेबस है वो आपका पूरा बीएससी नर्सिंग हो गया है, यानी जो नर्सिंग में आप सबने पढ़ा है, जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसी बेस पर आप सबसे पूछा जाएगा। उसके बाद नोरसेट में मेरिट लगने वाली है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि जो सीबीटी है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अलग अलग शहरों में अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर भी जो है इसमें अप्लाई होता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं, ये हमारे एम्स हैं जहाँ पे ये वैकेंसीज 18 एम्स दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो दिल्ली के लिए हैं। टोटल वैकेंसीज का चार्ट हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये टोटल 18 यहाँ पे है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आप सब क्लियर देखें, नहीं तो आप लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी ये पेज अवेलेबल है, वहाँ से भी आप सब अपडेट ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल 3,055 वैकेंसीज हैं एम्स के लिए। ये 620 वाला कॉलम आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रांड टोटल 620 वैकेंसी जो हैं एम्स न्यू दिल्ली के लिए है। इसमें फ़ीमेल की 205 वैकेंसीज हैं, मेल की 51 वैकेंसीज हैं। उसके बाद टोटल जो है 270 वैकेंसीज हो गई है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए। टोटल जो है ये अनरिजर्व की हैं, यानी अनरिजर्व मेल के लिए 51 वैकेंसीज हैं। उसके बाद ओबीसी में देखेंगे तो फीमेल की 127 वैकेंसीज हैं, मेल की 32 वैकेंसीज हैं। उसके बाद एससी में जाएंगे तो फीमेल की 68 है, यानी कैटेगरी वाइज और मेल और फीमेल टोटल वैकेंसी आप सबके लिए यहाँ पर शो की गई हैं। तो एम्स बठिंडा के लिए भी वैकेंसीज हैं, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, गोरखपुर है, जोधपुर है, कल्याणी, नागपुर, रायबरेली लिखा हुआ है, पटना है, रायपुर है, राजकोट है, ऋषिकेश है। तो ये टोटल वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे 3,055 वैकेंसीज हैं, और आप सबके लिए बेस्ट विशेज। और इसमें सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन है, बिना सीईटी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपना फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। थैंक यू।